चलिए बात कर लेते हैं डिंडोरी की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के ही समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जहां कांग्रेस की महिला नेताओं में झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान जोरदार भिड़ंत हुई, जहां कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर आक्रोश भी दिखाया गया, जहां संतोषी साहू और चंद्रकला परस्ते के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ते और आक्रोश दिखाते जन आक्रोश यात्रा में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, और जब यात्रा डिंडोरी पहुंची तो वहां पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के नेता खुद ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं दो कांग्रेस की नेत्रियां आपस में भिड़ती नजर आई। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है। तो अस्मिता, इसमें यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है कि ये जन आक्रोश यात्रा राज्य सरकार के खिलाफ है या फिर अपने ही समर्थकों के साथ में आक्रोश दिखाते हैं। तस्वीरें कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से बेहद ही खास, और आने वाले समय में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से तमाम बातें जन आक्रोश यात्रा को लेकर कह रही थी कि जन आक्रोश यात्रा यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा निकाली जा रही है, कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलेगा। बिल्कुल।